वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको पूरा अपना हॉस्टल ना जो जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वो पूरा हॉस्टल दिखाऊंगा कैसा है। मतलब कि मेरे पीछे ही हो, देख सकते हो ऐसे, मतलब पीछे ही है। और अपने साथ है अभी हर्षल। हर्षल भाई हेलो बोल दे एक बार। तो अभी जाएंगे मतलब कि पूरा हॉस्टल दिखाएंगे। और अभी ऐसा है हॉस्टल, और ये हॉस्टल है ना मतलब सयागिरी हॉस्टल, और ये जो गगनगिरी हॉस्टल ना यहाँ से कुछ तो 2 किलोमीटर से है लोनेरे फाटे से। मतलब कि जो हाईवे है ना मुंबई गोवा हाईवे, वहाँ से सीधा यहाँ पर 2 किलोमीटर रास्ता है। और ना यार मौसम देखो कितना मस्त है यहाँ पर, मतलब कि ऐसे नेचर के बीच में ही हम वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। और एकदम शांत शांत ऐसे बस हवा की चिड़िया की आवाज़ें आ रही है। और ये जो पीछे वाला हॉस्टल है ना वो गगनगिरी हॉस्टल है सीनियर लोगों का, और ये जो है वो जूनियर लोगों का, मतलब कि फर्स्ट ईयर वाले, और वहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले। और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता, तो चलते अभी अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता था कि ये जो शूट है ना मैं हॉस्टल टूर का, ये पूरा नहीं कर पाया क्योंकि आप ही देख लो एक बार। और अंदर आने के बाद यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उनके लिए जगह है। मैं तो मेरी तरफ से एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, पर इस समय मैं हॉस्टल के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा था, जो कि हॉस्टल के बाहर जो बोर्ड लिखा हुआ है ना आप देख सकते हो, वहाँ से जानकारी दे रहा था। और तो वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने मुझसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है वगैरह बोलने लगे। और वो अंकल बोलने लगे कि आप हॉस्टल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ना यार का बदनाम करूँ, आम्मी इतने स्टूडेंट आम्मी का बदनाम करना। तो सबसे पहले तो मैं हॉस्टल को कुछ बुरा नहीं कहने वाला था, और ना ही हॉस्टल को इसके पहले किसी वीडियो में मैंने बुरा कहा है। तो इसकी वजह से मुझे वीडियो वहाँ पर ही स्टॉप करनी पड़ी, और मैंने सीधा उस वीडियो को वहाँ पर ही एंड कर दिया। इसकी वजह से मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की, उसके बाद मैंने वो वीडियो वहाँ पर ही एंड कर दी, जो कि आप अभी देखेंगे। और ये सब ना इसकी वजह से हुआ कि यहाँ पर ना परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि हॉस्टल की वीडियो बनाने के लिए परमिशन लगती है, जो कि मैं कुछ बुरा तो नहीं दिखाने वाला था। तो ऐसा सब हुआ उस दिन, हॉस्टल की वीडियो तो पूरी शूट नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी गाइस यहाँ पर क्या हुआ ना, हम जैसे ही हॉस्टल की वीडियो बना रहे थे ना, यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि यहाँ पर अलाउड नहीं, तो इसलिए ना मुझे लगता है ये जो हॉस्टल का वीडियो बनाना था ना उसका आइडिया हमें यहाँ पर ड्रॉप करना होगा, तो उसके लिए सॉरी यार, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ की वो अथॉरिटी है, हम इसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है। मतलब तो ऐसा है, हॉस्टल की वीडियो दिखाना यहाँ पर अलाउड तो नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला ना कि यहाँ पर वीडियो बनाना नहीं चाहिए। मतलब अरे IIT में वीडियो बनाना अलाउड है पर यहाँ पर नहीं, तो यार कैसा यहाँ का सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए सॉरी यार, बाय बाय।